सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण समुद्र का पानी दिन में दो बार ऊपर और नीचे जाता है। इसे टाइड्स कहते हैं। टाइड्स को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार मतलब ऊपर और भाटा मतलब नीचे। टाइड्स को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है। इस मॉडल में यह अर्थ है और यह मून और उसके ऑर्बिट है। अर्थ पे ये जो रेड कलर का पॉइंट है, इसके कंटेक्स्ट में ही आज हम टाइड्स सीखेंगे। यहाँ पर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी बल्ज हो जा रहा है। अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है। अभी हाई टाइड्स हैं क्योंकि पानी और पॉइंट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। 6 घंटे बाद अर्थ घूम गई और अब पॉइंट पे लो टाइड्स हैं क्योंकि अर्थ और पानी के बीच का डिस्टेंस कम है। फिर 6 घंटे बाद अर्थ के घूमने के कारण हाई टाइड्स हो गई। फिर अर्थ वापस घूम गई और लो टाइड्स हो गई। अब हम अपना मून लगा रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लू स्पॉट मून है। मून अपने ऑर्बिट के अराउंड रोटेट कर सकता है। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी दुगना बल्ज हो रहा है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। अभी पॉइंट, मून और सन एक ही लाइन में है और पूर्णिमा है। मून और सन का इफेक्ट ऐड हो जाता है। अभी पॉइंट पे स्प्रिंग हाई टाइड्स हैं। अब स्प्रिंग लो टाइड्स हैं। उसके 6 घंटे बाद स्प्रिंग हाई टाइड्स हो जाती हैं और फिर स्प्रिंग लो टाइड्स हो जाती हैं। 7 दिन बाद कृष्ण पक्ष की सप्तमी आती है और अभी पॉइंट पे लो टाइड है क्योंकि मून का टाइडल फोर्स सन के टाइडल फोर्स से दुगना है। फिर 6 घंटे बाद अर्थ घूम जाती है और पॉइंट पे नीप हाई टाइड्स हो जाती हैं। फिर 6 घंटे बाद अर्थ घूम जाती है और नीप लो टाइड्स होती है और फिर नीप हाई टाइड्स होती हैं। फिर 7 दिन बाद न्यू मून डे आता है यानी कि अमावस्या का दिन और फिर अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं। मून का इफेक्ट और सन का इफेक्ट ऐड हो जाता है। अभी पॉइंट पे स्प्रिंग हाई टाइड्स हो जाती हैं। फिर स्प्रिंग लो टाइड्स हो जाती हैं। 6 घंटे बाद स्प्रिंग हाई टाइड्स होती हैं और उसके 6 घंटे बाद स्प्रिंग लो टाइड्स। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है और मून का इफेक्ट सन के इफेक्ट के अपोजिट हो जाता है। फिर नीप लो टाइड्स होती हैं, नीप हाई टाइड्स आती हैं। 6 घंटे बाद नीप लो टाइड्स होती हैं और उसके भी 6 घंटे बाद नीप हाई टाइड्स आती हैं। तो हमने टाइड्स के बारे में देखा। न्यू मून और फुल मून को स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को नीप टाइड्स होती हैं। हम लोगों ने मॉडल बनाया। आप भी ये मॉडल बनाएं और टाइड्स के बारे में सीखें। हमने इस मॉडल को एक वेबसाइट से लिया है और वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।